हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, इस वीडियो का टाइटल है लालू ने नीतीश के इस सपने पर फेर दिया पानी और बीजेपी ने भी नीतीश से ली चुटकी। यानी बीजेपी ने भी कुछ बेसिकली थोड़ी मजा ली है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद ही हमको पता चलेगा। और आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो पूरा देखें, चैनल को मेरी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। लोगों को बनाया जाएगा हमारी कोई इच्छा नहीं, तो सबको एकजुट करना चाहते हैं। लालू ने नीतीश का सपना किया चकनाचूर। नीतीश के साथ लालू ने कर दिया बड़ा खेल। मुंबई बैठक से पहले नीतीश ने बदले अपने सुर। बीजेपी ने नीतीश से लिए मजे। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष बीजेपी से लोहा लेने के लिए जहां एक तरफ इंडिया का गठबंधन किया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की एनडीए गठबंधन भी एक्टिव हो गई है। वहीं इंडिया गठबंधन की अब तक दो बैठकें भी हो चुकी हैं और तीसरी बैठक मुंबई में होनी बाकी है। लेकिन उससे पहले इंडिया महागठबंधन के संयोजक को लेकर बात फंसी हुई है। हालांकि संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम को लेकर खूब चर्चा हुई थी और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया महागठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। दरअसल 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच इंडिया महागठबंधन की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में होनी है, जिसमें विपक्षी दलों के संयोजक को लेकर फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में इस बात को लेकर फैसला होगा कि विपक्षी दलों में संयोजक कौन बनेगा। वहीं इस बैठक से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार को संयोजक और फिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार और जमा खान ने भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। लेकिन इन सब पर लालू यादव ने पानी फेर दिया है। दरअसल लालू यादव ने कह दिया है कि 3-4 राज्यों के लिए एक संयोजक बनाया जाएगा जो स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय बनाएगा और बातचीत करेगा। अब ऐसे में नीतीश कुमार को एहसास हो गया है कि मुंबई की बैठक में जब कई संयोजक का नाम तय किया जाएगा तो उन्हें भी कई संयोजक में एक संयोजक बनाया जाएगा, जिसका साफ मतलब है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपने मास्टर स्ट्रोक बयान से नीतीश कुमार के राजनीति को एक किनारे लगा दिया है और उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने को भी तोड़ दिया है। इसलिए जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से संयोजक बनने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि महागठबंधन में संयोजक बनने की जरा भी इच्छा नहीं है। सर कल जा रहे हैं सर, 21 को कन्वेनर वगैरह चर्चा होगी कि करिएगा। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं। वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते, सब बात नहीं। तो सुना आपने, नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें कुछ बनने की इच्छा नहीं है, वो सिर्फ सबको एक करना चाहते हैं। वैसे राजनीति में कभी किसी की इच्छा मरती नहीं है और नीतीश कुमार की राजनीति कैसी रही है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है।
वहीं बार बार पलटने के रवैये से उन पर लालू प्रसाद यादव भी रत्ती भर भी अब भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए भी लालू चाहेंगे कि नीतीश कुमार को कोई भी बड़ी भूमिका ना मिले। वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी कहा है कि लालू ने राहुल गांधी को दूल्हा घोषित करके नीतीश कुमार का संयोजक बनने का सपना तोड़ दिया है और अब नीतीश कुमार की बैठक में संयोजक पद की दावेदारी भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से भले ही विपक्ष इंडिया महागठबंधन बनाकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा है, लेकिन गठबंधन के सभी नेताओं की इच्छा को पूरी कर पाना, उनको साथ लेकर चल पाना, ये बहुत ही मुश्किल भरा काम है। हाँ फ्रेंड्स, तो संयोजक, पहले तो मेरे को ये वर्डिंग का मतलब क्या है वो नहीं पता है। आई थिंक बैठक को लीड करना होगा, संयोजक मतलब यही चीज होगी। तो ये मतलब नीतीश जी को बनना होगा या कोई बनाना चाहते होंगे, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव है उन्होंने बोल दिया कि दो चार राज्यों को मिला के एक संयोजक बनेंगे। यानी नीतीश जी की जो मन की इच्छा है उन पर ठंडा पानी डाल दिया। तो और नीतीश जी की, देखिए नीतीश जी की बहुत ही बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उनकी राजनीति एक उनका जो करियर है वो देखा है। वो ज़्यादातर मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के फ्रेंड्स, लेकिन उनका क्या है कि वो सुबह सुबह लंच कहीं करेंगे तो रात का, सुबह ब्रेकफास्ट कहीं करते हैं तो रात का, दोपहर का लंच वो बीजेपी में कर लेंगे, तो शाम का डिनर वो फिर बिहार में गठबंधन करके कर लेंगे, उनका ये है। तो अब सब जानते हैं। दूसरी बात, एक नोट करने वाली, मतलब ध्यान देने वाली, नोट करने वाली तो बात है ही, ध्यान देने वाली भी बात है कि जो लोगों ने गठबंधन, सॉरी अभी मतलब अभी इंडिया नामक एक सभी जो संगठन बने हैं, संगठन मिलके एक बड़ा जो मोदी जी के खिलाफ संगठन ही बोलेंगे ना क्या, वो बनाया है, ठीक है, उनका नाम रख दिया है इंडिया। हालांकि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, अगर इंडिया नाम रख देने से लोग वोट दे देते और उनका कुछ भला हो जाता तो उन इतने लोगों में से एक का नाम मोदी जी भी रख देते तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाते। तो इंडिया नाम रख देने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। इंडिया नाम रखने की बजाय जो इंडिया है, जो इंडिया की ताकत है, उनको, इंडियनों का उनको दिल जीतना चाहिए फ्रेंड्स। और दिल उनका सिर्फ कामों से ही जीता जा सकता है फ्रेंड्स, तो वो लोग वो नहीं समझ रहे हैं। तो और दूसरी बात क्या है ना फ्रेंड्स, कि आप ये सोचो कि अगर इनका जो जो ये विपक्ष का पूरा जो एक खिचड़ी बनी है, अगर उस खिचड़ी में से कोई एक भी प्रधानमंत्री बन जाता है तो इंडिया की क्या हालत होगी ये देखिए। उनके पास कोई विजन नहीं है कि हम, अगर हम लोगों को आप चुनोगे, भारत की जनता अगर उनको चुनेगी मोदी जी को छोड़ के, तो वो क्या करेंगे। उनके पास कोई भी विजन नहीं है कि इंडिया को क्या करके देंगे। उनका केवल और केवल एक ही मतलब फिलहाल उन लोगों का सपना बना हुआ है, उन लोगों का एक ही मकसद है कि देश का कुछ भी हो लेकिन मोदी हटना चाहिए, ये सॉरी यानी मोदी जी हटाना उनका विजन है। भारत को किस हिसाब से चलाना है, अगले 5 साल अगर जनता उनको चुनती है तो जनता को किस हिसाब से उनके वोट को सेटिस्फाई करेंगे, वो उनका विजन नहीं है। उनका विजन केवल और केवल यही है कि मोदी जी को किस हिसाब से हटाना है फ्रेंड्स। और एक बात समझ लीजिए, अगर खिचड़ी बनती है ना, और खिचड़ी में से एक भी अगर मसाला, वैसे भी वो खिचड़ी है, स्वाद तो है नहीं उसमें, और उसमें से एक भी मसाला अगर आप निकाल दो तो खिचड़ी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी हिसाब से छोटे छोटे जो संगठन है, मतलब पार्टियां है, उनको लेके ये खिचड़ी बनी है। अगर
सबकी विचारधारा मिलनी तो इम्पोसिबल है, कल वो जीत भी जाते हैं तो अगर एकादा की भी विचारधारा अगर मतलब नहीं मिली तो फिर वो बेस्वाद बननी बननी है फ्रेंड्स। तो जनता को ये ध्यान में रखना है कि आज से वो लोग जो इतने पार्टियां मिलके जो खिचड़ी बनाई है बनी है उनसे पहले उन लोगों का एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार था ये देखने लायक है फ्रेंड्स। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना तो हम लोगों को कोई भी अगर मोदी जी के बारे में बोले तो क्या बोले अंधभक्त बोलते हैं। अंधभक्त नहीं है, हमारी आंखें खुली है तभी हम मोदी जी की तारीफ करें कि हमको दिख रहा है। और जो हमको अंधभक्त बोलते हैं रियली में तो उनकी आंखें बंद है जो हमको अंधभक्त भक्त बोलते हैं। जिस दिन मोदी जी कोई गलत काम करेंगे या कुछ हमारे देश में भगवान न करे कुछ ऐसे गलत होता है तो हम मोदी जी को क्रिटिसाइज भी करेंगे फ्रेंड्स। तो हम कोई मोदी जी के भक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं, हम हर हाल में हमारे देश की अच्छाई चाहते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था, मैं हालांकि अलग टॉपिक पे चली गई, नीतीश जी एक तरफ रह गए फ्रेंड्स। तो नीतीश जी का ये सपना होगा जो उनके ही संयोजक बिहार में उन्हीं की सरकार चल रही है फ्रेंड्स, गठबंधन में उसी ने पानी फेर दिया फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो पूरा देखना है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब नहीं भूलना है। तो अब मिलते हैं वैसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।